नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक न्यूज बारबी में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये स्टॉक 10% और क्रैश होने वाला है, नीचे की तरफ जाने वाला है। शॉर्ट टर्म वालों का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज के दिन ऊपर नीचे चढ़ा, बल्कि नीचे गया, मार्केट थोड़ी ऊपर थी बट फिर भी ये नीचे की तरफ गया, तो क्या इसमें अब और ज्यादा भारी गिरावट के चांसेस बढ़ गए हैं? तो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को अगर पसंद आए तो, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ऑल जरूर प्रेस कीजिएगा बेल आइकन दबा के। तो देखिए रीजन साफ साफ है, आपको मैं सीधा चार्ट दिखाता हूँ, आपको 6 महीने के चार्ट से समझ में आएंगी सारी चीजें। 6 महीने के चार्ट में आप देखेंगे कि जब भी ये थोड़ा बढ़ता है तो थोड़ी देर वहां रुकता जरूर है, और आप 2-3 बार से लगातार आप ग्राफ में देख पा रहे हैं हमेशा थोड़ा रुकता है, ये इसका पैटर्न बन चुका है। अब यहां रुका तो ये 300 की तरफ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बट ये भी याद रखिए कि शॉर्ट टर्म वालों को ध्यान रखना चाहिए, अब इसमें थोड़ी गिरावट भी, प्रॉफिट बुकिंग भी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये वो लेवल है जहां से ये पहले भी नीचे आ चुका है एक बार। तो ध्यान रखिएगा प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म वालों के लिए, मैं जरूर कह रहा हूं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो बेच के निकल जाइए। जिसने 6 महीने में 23% का रिटर्न ले लिया उसके लिए काफी है, पर लॉन्ग टर्म वाले याद रखिए कि ये स्टॉक अब कहीं भी जा सकता है, क्योंकि देखिए जब इसकी 4 गीगावाट वाली जो फैक्ट्री है वो याद रखिएगा बन जाएगी, तब इससे बड़ा स्टॉक मार्केट में होगा नहीं। पर वो 4 गीगावाट की फैक्ट्री के लिए आपको 3 महीने और वेट करना होगा। स्टॉक ऊपर जाएगा ये पक्का है, पर ध्यान रखिए भागते भागते ये हमेशा आराम करता है थोड़ी देर, तो वेट जरूर कीजिएगा। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ही है, पर डरने की कोई बात है ही नहीं दोस्तों। धन्यवाद।